कि जो तर्क वितर्क जान तर्क वितर्क कर सकता है, समझ लीजिए वो आदमी बुद्धिजीवी है, उस आदमी का जो बुद्धि का विकास है वो परिपक्व हो गया है। लेकिन यहां पर देखिए, पहली बात तो ये कि मेरी बात खत्म हुई, मैं इस सभागार से बाहर, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने घर बताकर नहीं आया, मैं सुबह घर से 8 बजे गया, घर से निकला हूं और शाम होगी, लेकिन हमारी नोएडा में मीटिंग थी और मैंने बी आर बोझ जी से फोन करा तो इन्होंने कहा कि आप आ जाइए 5 बजे तक भी आ सकते हैं, और बिना किसी परेशानी के बारिश के समय में हम उधर से निकले, मैं और मेरे साथी डॉक्टर महेश सिंह जी, हम यहाँ पर आए, हमने उनकी बात सुनी, अच्छा लगा। लेकिन किसी के भी अंदर ये भावना नहीं आ रही कि भाई हम अपने समाज के लिए क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये तो पैसा देने की तो बात ही नहीं है, अभी तो हमें अपने समाज के प्रति बढ़ने की, जो हमारे समाज परेशान है 70 साल से, उसके प्रति जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने तो जो झेला उसको झेला, लेकिन आज जो बच्चे आए हैं, जो युवा पीढ़ी आ रही है, उसके प्रति तो लगाव ही नहीं है। बस मेरा भला कैसा हो जाए, मैं MP MLA कैसे बढ़ जाऊं, मेरी फैक्ट्री कैसे चल जाए, मैं अपने बीवी बच्चों को सोना चांदी मकान कैसे दे दूं, मेरी प्रॉपर्टी कैसे खड़ी हो जाए, ये दिमाग में है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। मैं कभी कभी जब बी आर बोझ के साथ मिलता हूं और जब विचार करता हूं, तो मैं इनसे यही कहता हूं कि आप हमारे बड़े हो, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, आपकी टीम को तन मन से समर्थन करना चाहते हैं। लेकिन साहब कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बड़ा मानता हूं, मेरे सामने जो भी होता है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, माफ करना, मैं उसको अपने से बड़ा मानता हूं। ये मेरे अंदर खूबी नहीं है, ये मैंने शिक्षा लिया अपनों से, मेरे अपने बड़ों ने दी है। मैंने DCP कपिल साहब को एक बार फोन करके कहा था कि कुछ जालंधर के लोगों ने मुझे विचार रखा कि हम ये काम करना चाहते हैं, इन्होंने कहा भी रुक जाइए। बिहार बोझी से भी मैंने कहा साहब कुछ बातें हैं, इन्होंने कहा अभी रुक जाइए। हमारे अंदर ये भावना कब आएगी कि हम अपनों के प्रति कुछ करें, ये भावना नहीं है। बात करा लो, मंच पर बुलाओ, और फिर वो मंच सभागार से बाहर, ऐसे कब तक चलेगा भाई? पार्टी विशेष की बुराई करना ठीक नहीं है, व्यक्ति विशेष की बुराई मत करो। कोई कहीं पर भी है वो हमारा है, हम उसके सामने नतमस्तक हो, समाज की बहन हो, बेटी हो, कोई दर्द हो उसमें शामिल हो जाइए। ये मेरा अपना दर्द है, मैंने अपनी उम्र से ज्यादा लोगों के बीच में बात रखी है, लोगों के काम कराए हैं, चाहे मुझे किसी के पैर पकड़ने पड़े हो। मेरे साथ 2-4 जो यहां पर लोग बैठे हैं वो मुझे भली भांति जानते होंगे, ऐसा नहीं है। चाहे वो किसी भी तरीके के लोग रहे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, टीचर, वकील, ये तो बन सकते हैं डिग्री लेकर, लेकिन समाज में काम कराना हर आदमी की बस की नहीं है साथियों। और भी तो लोग हैं जिनको दूसरे विचार से बना दें, डंडा झंडा गुंडा, ये भी तो एक चैनल है, इस चैनल से कब मिलेंगे आप? अपने अंदर भावना लाइए, जो हमारे बड़े लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं, हमारा पहला फर्ज बनता है महेश का कि भाई मैं अपनों के साथ रहूं, मैं आपके साथ रहूं, दिल से रहूं, जो मेरे बस की है, ये नहीं कि मैं 100 रुपये खर्च कर सकता हूं, यदि मैं 10 रुपये खर्च कर सकता हूं तो मैं आपके साथ हूं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।